So we'll start from where we stopped in the last class. So for a rigid body to be in equilibrium, so we have learned that कोई भी अगर translational motion होता है तो equilibrium में होने के लिए net external force zero होना चाहिए. तो यहाँ पे जब rigid body में translational rotational दोनों motion होता है तो net force भी zero होना होगा और net torque भी zero होना होगा. So for bodies in equilibrium, so for bodies in equilibrium, जब translational equilibrium होता है तो उस केस में net force acting on the rigid body should be equal to zero. So that means summation of all the forces is zero, or F1 plus F2 plus F3 plus F4 and so on, Fn is equal to zero. और अगर rotational equilibrium में एक object को होना है, so rotational equilibrium के लिए net torque zero होना होगा. So rotational equilibrium के लिए total external torque acting on the body should be equal to zero. So total external torque means summation of torque, external torque is zero. So this means torque tau 1 plus tau 2, tau 3, and so on up to tau n is equal to zero. Sum of all the torques acting on a body should be equal to zero. So जैसे ये जो केस है, let a rigid body be lying on an xy plane. Let a rigid body lying on xy plane. So यहां पे जितने forces तुम्हें देख रहे हैं ये सारे forces F1 plus F2 for translational equilibrium, F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 has to be equal to zero. So that means इसको अगर हम लोग दो component में break कर देते हैं तो summation of all the forces along x direction is zero, summation of all the forces along y direction is equal to zero. Now, उसके अलावा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बिकॉज एक्स वाई प्लेन पे फोर्स है तो उसके वजह से जो टॉर्क होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगा. सो बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन पे फोर्स है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इन द जेड डायरेक्शन, सो समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क अलोंग जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो. This is for rotational equilibrium. Right. So for rotational equilibrium there, or for translational equilibrium. तो ये दोनों consider satisfy होना चाहिए, दोनों condition satisfy होना चाहिए अगर एक body को equilibrium. Is it clear? क्लियर है सभी को?
क्लियर है बच्चों, है कि नहीं सारे? यस सर। प्लीज राइट इट डाउन। लिख लिया सभी ने? लिख लिया बच्चों? यस सर। नाउ जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे थे तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का केस हमने किया था, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है ये बेसिकली। सो बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट, सो हमें पता है कि भाई साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है जब सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन पे वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो फ्रिक्शन के अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका एक कॉम्पोनेंट है जो कि उसके ऊपर लग रहा होता है, n sin थीटा इधर लगेगा टूवर्ड्स AD, तो वो दोनों मिलके इसको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर। अब ये जो आदमी है बिकॉज ये बेंड किए हुए है तो उसका जो वेट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि ये जिस साइकिल पे बैठा हो वो साइकिल खुद सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा बाहर के तरफ, टूवर्ड्स आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एक इसका वेट mg है इधर और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इस डायरेक्शन। सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय r है। अब इसके वजह से इसका जो रोटेशन होगा वो इसके अलोंग होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट है इसके वजह से टॉर्क, और इसके वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए। टॉर्क हमने बोला कि नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो जो क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तभी ये आदमी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज ही विल फॉल डाउन। सो फॉर दिस पर्सन टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सो for the cyclist to be in rotational equilibrium, net torque in clockwise direction should be equal to net torque in anti-clockwise direction. So net torque in clockwise direction, देखो ये clockwise कौन इसको rotate कर रहा है, mg rotate कर रहा है, mg जो force है और ये perpendicular distance line of action of force का AD है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो टॉर्क होगा फोर्स mg इनटू AD इज इक्वल टू जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस cd हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से cd है लेंथ के बराबर, सो दिस विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r जो फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस cd, ठीक है। सो mg इंटू AD इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r इंटू cd। अब हमें पता है कि जो ये एंगल, कितने एंगल से ये मूव कर रहा है, अगर ये निकालना है तो AD अपॉन cd कर देंगे, tan थीटा निकल जाएगा। सो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD अपॉन बेस cd, सो tan थीटा AD अपॉन cd है, so this is AD upon CD,
is equal to mv square by r divided by mg. M और m cancel हो गया, so ये हो गया v square by rg. ये ad upon cd. So ad by cd is basically tan theta, which is equal to v square by rg. ठीक है, तो थीटा कितने से ये बेंड कर रहा है, दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी. क्लियर है बच्चों? तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से भी हम लोग कितने एंगल से ये बेंड करेगा ये निकाल सकते हैं. ठीक है, फोर्स वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के मेथड से भी निकाल सकते हैं. क्लियर है सभी को? यस सर. लिख लिया सभी ने? यस सर. नाउ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट को, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर हमें निकालना है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज एल इज इक्वल टू R cross P, where R is the position vector and P is the linear momentum. ये R जो है position vector of particle और P जो है this is linear momentum. L is equal to R cross P है, दूसरा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी so यहां पे L is equal to I into omega, where I is the moment of inertia जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं जिस एक्सिस के अबाउट, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा. So L is equal to I into omega. क्लियर है? नाउ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सो वी नो दैट net external torque is equal to rate of change of angular momentum will be equal to net external torque.
dl upon dt is equal to net external torque. So this will, this means next net external torque is equal to rate of change of angular momentum. Rate of change of angular momentum is net external torque. Now, if the total external torque on a system, acting on a system, is zero, its angular momentum remains constant. So यही कह रहा है ना, net external torque अगर zero होगा तो dl by dt zero हो गया, मतलब l क्या हो गया, constant हो गया. So this implies ये क्या हो गया, dl upon dt is equal to external torque which is equal to zero. So that means L is constant, angular momentum is constant. Clear a concept? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर. क्लियर? हाँ सर. यस सर. अभी ये क्वेश्चन देखिए, व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच इज केप्ट वर्टिकल. तो यहां पे ऑलरेडी एक व्हील है, ठीक है, और ये व्हील जो है इज मूविंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा. सो व्हील इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स एक्सिस व्हिच इज केप्ट वर्टिकल. तो एक्सिस क्या है, ये ए बी एक वर्टिकल एक्सिस है. एन आइडेंटिकल व्हील इनिशियली एट रेस्ट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो इनिशियली, मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है. हम लोग ने क्या किया है, एक व्हील और दूसरा आइडेंटिकल व्हील लिया और वो आइडेंटिकल व्हील को इसके ऊपर, इसी एक्सिस के ऊपर हम लोग डाल देते, मतलब इसको नीचे लेके आ जाते हैं और दोनों को कॉन्टैक्ट में ले आते हैं. इसके कॉन्टैक्ट में आने पे, नीचे वाले व्हील के कॉन्टैक्ट में जब ऊपर वाला व्हील आएगा तो दोनों साथ में घूमना शुरू करेगा फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है. बट अगर हम ये दोनों व्हील को सिस्टम माने तो ये दोनों व्हील के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इंटरनल फोर्स होगा और एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा है. नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो and hence total momentum will be conserved. So यहाँ पे क्या है, ये दोनों, इसका angular velocity, initial angular velocity omega is equal to zero है rest पे है, और ये omega से rotate कर रहा है. बाद में ये दोनों साथ में एक दूसरे के contact में आ जाते हैं और contact में आने के बाद both of these together rotate with let's say another angular velocity omega dash.
और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों को ऐड कर देंगे, 2i हो जाएगा, है ना। जैसे मासेस ऐड होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ही एक्सिस के अबाउट, एक ही पॉइंट के अबाउट हम लोग ऐड कर सकते हैं। सो ये नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2i। सो दिस इज इनिशियल केस एंड दिस इज योर फाइनल केस, ठीक है। नाउ सिंस if both the wheel is taken as system, so if both the wheels is taken as a system, okay, so if both the wheels is taken as a system, since there is no external torque, acting on the system. Hence, the angular momentum of the system is conserved. Angular momentum of system will be conserved. So initial angular momentum I omega plus I into zero is equal to 2I into omega dash, ठीक है। तो ये हो जाएगा I omega is 2I omega dash, I और I cancel हो गया, so omega dash is equal to omega by 2. So common angular velocity क्या हो गया, omega by 2. Clear बच्चों? देख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? लिख लिया बेटा? यस सर। नाउ एंगुलर इंपल्स
जैसे लीनियर इंपल्स होता है, लीनियर इंपल्स क्या होता था, लीनियर इंपल्स वॉज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम वॉज कॉल्ड लीनियर इंपल्स. उसी तरह टॉर्क एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर इंपल्स. सो एंगुलर इंपल्स को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं. जे इज इक्वल टू टॉ डी टी का इंटीग्रल. अगर टी वन से टी टू टाइम तक एक टॉर्क लग रहा है किसी भी रिजिड बॉडी पे, सो एंगुलर इंपल्स ऑफ ए टॉर्क इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज गिवन एज जे इज इक्वल टू टॉर्क डी टी टी वन टू टी टू. नाउ वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डी एल अपॉन डी टी. अभी हम लोग पीछे कर रहे थे, तो ये बेसिकली टॉर्क डी टी टॉर डी टी इज इक्वल टू डी एल हो जाए. यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो जे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल और फ्रॉम एल वन टू एल टू, सो दिस विल बी इक्वल टू एल टू माइनस एल वन चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. सो जैसे लीनियर इंपल्स वॉज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम. सो जे इज इक्वल टू एल टू माइनस एल वन. सो एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू change in angular momentum. Clear? Clear, bachcho? लिख लिया सभी ने? इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ गिवन एक्सेस. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी rotating about a given axis is equal to half I omega square. Kinetic energy half into I into omega square. I is angular moment of inertia, omega is angular velocity. So half I omega square is kinetic energy of a rotating object. क्लियर है बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. नाउ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई. सो इस व्हील का, ये जो पुली व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस आर है. is free to rotate about its center as shown in the figure. A string is wrapped over its rim and a block of mass m is attached to the free end of the string. The system is released from rest. So when you release this system from rest, this will come down.
So the system is released from rest. Find the speed of the block as it descends through a height h. Let's say the potential energy at this position is equal to zero. Right? ये initial position है और ये final position. So now, by conservation of energy, so conservation of energy, mechanical energy basically, total initial energy. तो जब वो इस position पे था, मान लो A position है और ये B position है, तो total energy, total mechanical energy at A is equal to total mechanical energy at B. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे देखोगे तो ए पे तो बस पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच के बराबर हो जाएगा क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट बी बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया काइनेटिक एनर्जी जो मास एम का काइनेटिक एनर्जी होगा दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और ये जो व्हील है इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा बिकॉज देर इज नो स्लिपिंग विच इज हैपनिंग ठीक है सो कह रहा है कि रैप्ड ओवर इट्स रिम और उससे वो रोटेट कर रहा है ठीक है तो यहाँ पे वी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर होता है हमें स्पीड ऑफ ब्लॉक निकालना है तो एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा को हम लोग लिख लेंगे वी बाय आर का स्क्वायर सो दिस इज एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अब हाफ का ये जो डिनोमिनेटर में टू है इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ 2 mgh इज इक्वल टू m प्लस i बाय r स्क्वायर ठीक है i बाय r स्क्वायर इनटू v स्क्वायर इज 2 mgh डिवाइडेड बाय m प्लस i बाय r स्क्वायर सो इससे V is equal to root under 2 mgh m plus I by R square. Clear, बच्चों? Is it clear to everyone? Clear hai sabhi ko? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Now power delivered and work done by torque.
So power delivered and work done by a torque. Power P is equal to, जैसे जब फोर्स होता था लीनियर इसमें तो फोर्स इंटू वेलोसिटी हम लोग पावर लिखते थे. यहाँ पे पावर जो है टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखेंगे. तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला है. और जैसे वहां पे वर्क डन लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते थे, यहाँ पे बेसिकली टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क डन होता है. So work done is equal to W tau d theta का integration. So integral of tau d theta. F dx जैसे वहां पे था, यहाँ पे tau d theta होता. क्लियर है बच्चों? यस सर. नाउ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हम लोग कल हम लोगों ने दोनों फॉर्मूला किया भी था एक बार. सो बेसिकली कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम. सो कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट फॉर कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स. So for collection of discrete particle is given as moment of inertia I is equal to summation of mi into ri square. मतलब अगर हमारे पास एक rigid body है और इस axis के about हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट है इन सब का. मान लीजिए एम वन है आर वन डिस्टेंस पे, ये एम टू है आर टू डिस्टेंस पे, और ये एम थ्री है आर थ्री डिस्टेंस पे. परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यहाँ पे आई इज इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर. यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं सर. तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है. लिख लिया सबने? यस सर. सो कंसीडर अ लाइट रॉड. लाइट रॉड मतलब रॉड के मास को कंसीडर नहीं करेंगे. विथ टू हैवी मास पार्टिकल्स एट इट्स एंड. दो मास पार्टिकल है इसके दोनों एंड पे लगा हुआ है. एक एम वन मास का है, दूसरा एम टू मास का है. टू हैवी मास पार्टिकल्स एट इट्स एंड. लेट ए बी बी A line perpendicular to the rod as shown. तो ये हमारा लाइन है जिसके अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है.
तो इस मास का इससे जो डिस्टेंस है आर वन डिस्टेंस है, और इस मास का जो इससे डिस्टेंस है वो आर टू डिस्टेंस है. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, of the system about AB is equal to I summation of MI RI square. So matlab M1 R1 square plus M2 R2 square. So ye hamara हो जाएगा m1 r1 square plus m2 r2 square. This is the moment of inertia of the system. Clear है बच्चों? Yes sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Now this is another question. Three particles each of mass m. So we have three particle. Iska bhi mass m. Ye dusre wale iska bhi mass m. Aur ye third wala iska bhi mass m. Are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. ABL, ABL. Niche wala bhi L. Find the moment of inertia of the system about the line AX perpendicular to AB. So AB के perpendicular ये line है. अब हमें ये जो distance है, ये distance अगर यहाँ पर से निकालें, this distance about this, so this will be L by 2. ये जो distance है, this is equal to L by 2. और इसका distance जो B पार्टिकल का इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे वो L होगा, और A का डिस्टेंस इस एक्सिस से जीरो होगा क्योंकि वो उसी एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट AC मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about AX is equal to mass of A into RA square plus mass of particle at B RB square, mass of particle at C into RC square. मास ऑफ पार्टिकल एट ए एम ए है, आर ए जीरो है, एम ए जीरो स्क्वायर, एम बी मतलब एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम सी एम इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर. सो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय फोर. सो दिस इज 5 ml square by निकले बच्चों.
लिख लिया बच्चों? यस सर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो इसका एक हम प्रूफ करेंगे, बाकी प्रूफ आप लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे करते हैं, और बाकी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। IIT वालों को तो उन्होंने सारा ही कराया है, सारा प्रूफ मैंने कराया है, बट आप लोगों को नीट के लिए इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन या फिर ऐसा बड़ा क्वेश्चन तो कुछ आएगा नहीं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग यहाँ से करते हैं, सो लेट्स से इसका टोटल मास m है और इस रॉड का जो लेंथ है, पहले तो फॉर्मूला देख लो, इसका जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, दिस इज आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रल। सो अब अगर हम लोग को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हम लोग एक x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट कंसिडर करते हैं, पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं यहाँ। सो मास पर यूनिट लेंथ टोटल मास है m, और जो इसका लेंथ है वो l दे रखा है, m बाय l हो गया मास पर यूनिट लेंथ। अब consider a small element of length dx, consider a small element of length dx at a distance x from the center. So consider a small element of length dx at a distance x from the center. So this will be equal to, इसका जो मास, small element का जो मास dm है, dm will be equal to mass per unit length निकाल के, और छोटा length जो dx है उसके length से multiply कर लेंगे, so we will have m by l into dx. This is small mass at dm, ठीक है। अब इसके वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है di, this is equal to dm r square का इंटीग्रल, dm r square, dm क्या है, m by l dx, और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, x है, x square। So, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। अच्छा, एल एक्स का जो वैल्यू है कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, यहां देखो माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक, हम लोग ओरिजिन यहां रखे हैं, लेफ्ट साइड में जाएंगे नेगेटिव, राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव, तो हमारा जो यहाँ पे लिमिट होगा वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक होगा,
ध्यान देना, समझना, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा पूछ लेना मेरे से। सो अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो देखो m बाय l कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और x स्क्वायर dx का इंटीग्रल माइनस ऑफ l बाय 2 से प्लस l बाय 2 तक। x स्क्वायर dx का इंटीग्रल होता है x क्यूब बाय 3 m बाय l x क्यूब बाय 3 माइनस l बाय 2 प्लस l बाय 2। सो दिस इज m बाय 3l इनटू l क्यूब बाय 8 माइनस माइनस प्लस l क्यूब बाय 8। सो m बाय 3l इनटू l क्यूब बाय 4। L और ये कट गया, L स्क्वायर हो गया यहाँ पर। सो ये आंसर हो जाएगा ML स्क्वायर बाय 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज ML स्क्वायर बाय 12। क्लियर है? लिख लिया बच्चों? यस सर। अब हम लोग सारे रिजल्ट्स लिख लेंगे, यू डोंट नीड टू प्रूव दिस। सो अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एज पासिंग थ्रू द सेंटर, सो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 ही होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट of a rectangular plate about a line parallel to edge about a line parallel to an edge passing through the center इस लाइन के अबाउट अगर हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सो दिस विल बी एम एल स्क्वायर बाय 12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी, अगर यही लाइन इधर इसके अबाउट होता ठीक है, इस एज के पैरेलल होता, लेट्स से that is equal to CD. So moment of inertia about CD हो जाएगा MB square by 12। Clear बच्चों? Yes sir।
Yes, sir. Now, third is moment of inertia of a circular ring about its axis. So ring ka moment of inertia mr square hota. Moment of inertia of a circular disc. Moment of inertia of a circular disc I is equal to mr square by 2 हो जाए. Moment of inertia of a hollow cylinder about its axis, I again will be equal to mr square. Moment of inertia के लिए mi लिख रहा है. Moment of inertia of a solid cylinder about its axis. I is equal to mr square by 2. लिख लिया बच्चों? यस सर. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट अ डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform hollow sphere about a diameter is given as I is equal to 2 by 3 mr square and moment of inertia of a uniform solid sphere about a diameter I is 2 by 5 mr square.
ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, विल स्टॉप हियर टुडे और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह अभी हैं, काफी रहते हैं न्यूमेरिकल्स करने, थोड़ा और कॉन्सेप्ट है जिसमें रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई में हम लोगों ने उतना डिटेल में किया नहीं है रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल में और करेंगे। इस चैप्टर में ज्यादा हम फोकस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स का जो वेटेज है इसका काफी ज्यादा रहता है, सो यू नीड टू